आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। जबलपुर में 23 अप्रैल को होने जा रही राष्ट्रीय पंचायत कार्यशाला में केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला शामिल होंगे। कार्यशाला के प्रथम सत्र में पंचायतों के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, सतत विकास लक्ष्य, युवा पंचायत, नया भारत नई सोच, डिजिटल इंडिया के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के कायाकल्प तथा स्वच्छ भारत अभियान पर विचार और प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। कार्यशाला में सभी विषयों पर मिलने वाले सुझावों और निर्णयों पर नए प्रस्ताव तैयार होंगे, जिन्हें 24 अप्रैल को देश भर में आने वाले अतिथि मंडला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि इन सभी प्रस्तावों को आने वाले महीनों में नीति आयोग के जरिए पंचायती राज व्यवस्था में लागू करने पर जोर दिया जाएगा। आज राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस है। इस अवसर पर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी द्वारा आज मतदाता जागरूकता व्याख्यान और लोक संपर्क सम्मान समारोह का आयोजन भोपाल में आज शाम होगा। जनसंपर्क सोसाइटी भोपाल चैप्टर के अध्यक्ष पुष्पेंद्र पाल सिंह ने बताया है कि सम्मान समारोह में राज्य सरकार में जनसंपर्क के लिए कार्यपालक निदेशक मध्यप्रदेश, माध्यम एवं अपर संचालक जनसंपर्क संचालनालय मंगला प्रसाद मिश्र, मीडिया शिक्षा के लिए कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मानसिंह परमार को, लोक प्रसारण के लिए आकाशवाणी के समाचार संपादक समीर वर्मा और क्षेत्रीय प्रचार में जनसंपर्क के लिए पत्र सूचना कार्यालय के उपनिदेशक अखिल नामदेव को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश भर में ग्राम स्वराज अभियान के तहत निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। शिवपुरी जिले में कलेक्टर तरुण राठी ने जनपद पंचायत ग्राम कोटा में लगभग 100 गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान किए। होशंगाबाद में भी धुआं रहित वातावरण बनाने के उद्देश्य से जिले के प्रत्येक ब्लॉक के एक गांव और निकायों के प्रथम वार्डो में गैस एजेंसियां शिविर लगाकर गैस कनेक्शन दे रही हैं। टीकमगढ़ जिले में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने चयनित पात्र परिवारों की 50 महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए। खंडवा में भी स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने ग्राम रोशनाई में 35 महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। प्रदेश में शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था आज से एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार नवीनीकरण के लिए 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन करने के लिए दिशा निर्देश मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रदेश भर में कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालयों, श्रम न्यायालयों और कुटुंब न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन होगा। इसके तहत लंबित प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम विवाद सहित विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। प्रदेश में अचानक तापमान में बढ़ोतरी होने से आम जनजीवन प्रभावित है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के चलते प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का तेज असर बना हुआ है। प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस खजुराहो में दर्ज किया गया। वहीं अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। भोपाल में दिन का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गर्मी की वजह से आंगनवाड़ी केंद्रों का समय बदल दिया गया है। अब आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक किया जाएगा। राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में भीषण गर्मी के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पचमढ़ी में भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग आज से शुरू हो गया है। आज पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीता सरन शर्मा और पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक हिस्सा ले रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा के लिए आगरमालवा जिले के पात्र परिवारों का सर्वे 30 अप्रैल से 7 मई तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत खंडवा जिले के वरिष्ठ नागरिक 24 अप्रैल को वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे। कटनी जिले के पाहरवा स्थित कृषि उपज मंडी में चना मसूर सरसों के उपार्जन केंद्र का शुभारंभ जिला आपूर्ति अधिकारी एसके भदौरिया ने किया। मुरैना जिले में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसे में एक की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।